सर आपका पिज्जा सर। इतनी देर का लगा दिया ऑर्डर लाने में, तुझे पता है हम तेरा कितनी देर से वेट कर रहे हैं? और ये बुड्ढों को कब से डिलीवरी बॉय की नौकरी मिलने लग गई? सर वो क्या है ना सर, पहले मेरा लड़का डिलीवरी करता था, एक बार अर्जेंट डिलीवरी के लिए जाते हुए उसका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया सर, और तब से वो चलने फिरने से लाचार हो गया सर, और तब से मैं ही डिलीवरी करता हूँ सर। अबे बुड्ढे, एक तो लेट डिलीवरी कर रहा है और ऊपर से आलतू फालतू की स्टोरियां सुना रहा है। नहीं सर, ला दे मेरा ऑर्डर। ये पिज्जा तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था। नहीं सर, आपने यही ऑर्डर किया था, हम गलत नहीं हो सकते सर। अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? अबे तेरे जैसे इंसान को 2 मिनट में खरीद दूं, इतनी औकात है मेरी? नहीं सर, आपने यही ऑर्डर किया था सर। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, तूने खाया ना मेरा ऑर्डर? नहीं सर, तौबा तौबा, मैं बैग कैसे खा सकता हूँ सर? देख अगर तुझे इस ऑर्डर के पैसे चाहिए ना, तो अभी के अभी मेरे लिए वेज पिज्जा लेकर आ, चल निकल। सर ये पिज्जा तो दे दीजिए सर प्लीज। चल। क्या हुआ, कौन था? वो डिलीवरी बॉय था बेटा। पानी वानी पिलाया उनको? पानी? अरे पानी क्यों पिलाना है, नौकरी तो है ये। अरे बेटा इतनी गर्मी पड़ रही है बाहर देखो, और नौकरी है, ऐसे बोलते हैं क्या? आ गया ऑर्डर? हाँ यार, पर उसने ना गलत पिज्जा भेज दिया। अरे यही तो मंगाया था मैंने। अच्छा यही मंगाया था तूने? हाँ। अरे मैंने ना उसको वापस भेज दिया ये कहकर कि तूने हमें गलत पिज्जा दे दिया, अब वो एक और पिज्जा लेकर आ रहा है। आ खाते। सर आ गया बुड्ढे, ला दे मेरा ऑर्डर। ये तो ठंडा है, जा दूसरा लेकर आ। सर इसके पैसे? सर देख मेरा दिमाग मत खराब कर, अगर तेरी कंप्लेंट कर दी ना तो तेरी नौकरी चल जाएगी। सर इसके पैसे तो सर किससे पिज्जा? पैसे दिए तुमने उनके? अरे मम्मी ये डिलीवरी वाला फिर से ठंडा पिज्जा दे गया, पैसे के तू? तू पैसे नहीं दोगे? ये लड़का ना हर दिन बिगड़ता जा रहा है। सर आपका ऑर्डर। इस बार सही तो लाया ना? जी सर, मगर इसके पैसे सर। पैसे? कैसे पैसे? अबे टाइम देखा है तूने, कितनी देर में ऑर्डर लाए, कोई पैसे नहीं मिलेगा। चल प्लीज सर, सर पैसे दे। तो ना हद हो गई है, तुमने फिर से बदतमीजी की उनके साथ। अब देखो आज से तुम्हारी सब पॉकेट मनी बंद, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मम्मी, कह दिया ना नो मतलब नो। अब जब तक तुम्हें पैसे की और इंसान की इज्जत करना नहीं आएगा ना, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ एक बात और, इस बार तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट भी कैंसिल। ठीक है फिर, मैं भी कमा लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। जी मुझे माफ कर देना, मैं ये समझ ही नहीं पाया कि सबके काम अलग अलग हैं और काफी मुश्किल भी। लोगों को घर बैठकर जज करना काफी काफी इजी है, लेकिन उनकी जगह उनका काम करना
बहुत मुश्किल। ये लीजिए आपके अंकल पैसे, और प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो, गलती होने पर माफ कर देना ही अच्छा होता है। अच्छी बात तो यह है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस मैसेज को उन तक पहुंचाइए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप लोग अपनी स्टोरी मुझे भेजिए, ताकि हम लोग उस पर वीडियोज़ बना सकें और आप तक पहुँचा सकें। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।